तो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अभी का सीन है कि मैं निकल रहा हूँ इस समय अल्मोड़ा के लिए। अभी मेरा करीब ये रहेगा 6-7 दिन का टूर। तो निकलते हैं, टाइम हो रहा है सुबह के 5:56। बैग अपना तैयार, दो बैग लेके जा रहा हूँ। लगेज बच चुका है भाई पूरा कंप्लीट, तो निकलते हैं अब तैयारी। अच्छा जी, ओके बाय, चले, ध्यान रखना, ठीक है, बाय। पहले लेते हैं भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो गूगल बाबा दिखा रहे हैं यहाँ से तकरीबन 8 घंटा, दिल्ली से अल्मोड़ा पहुँचने का 8 घंटा। तो पहला स्टॉपेज रखूँगा मैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में थोड़ा सा जो भी लोकल पॉइंट है वो कवर करूँगा, उसके बाद फिर निकलूँगा आगे के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे टूर पे। ये क्या हो गया भाई सुबह सुबह? चलो बच गए होंगे शायद। तो पूरा टूर अकेले करेंगे भाई इस बार। आज मैंने अपने बाइक का नाम भी रख दिया है, नाम रखा भाई चीता। और भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाम कैसा लगा आपको, कैसे एक्सीडेंट हुआ भाई। कभी कहते हैं भाई रोड पे चलो तो अपनी आंखें खोल के चलो चारों तरफ। हल्द्वानी भी पहुंच गए, दिल्ली से हल्द्वानी अपने को टाइम लगा करीब 4.5 घंटा। तो अब हो गया भाई हिल स्टार्ट, तो यहाँ से पूरा हिल ही हिल है। अभी अपने को 90 किलोमीटर और जाना है यहाँ से अल्मोड़ा, फिर देखते हैं वहां पे जाके। जब मैं दिल्ली से निकला था इतनी ठंड हो रही थी, और इस समय देखो यहाँ पे उत्तराखंड में धूप खिली हुई है फर्स्ट क्लास, ठंड भी नहीं ज्यादा, मौसम बहुत बढ़िया, बेहतरीन मौसम हो रहा है इस समय। और भाई चाय पीने का मन कर रहा है, तो अभी आगे रुकते हैं हम लोग सलड़ी पर, परमानेंट रेस्टोरेंट है वहीं पर रुकेंगे, वहीं चाय पकौड़े खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। लगाना पकौड़ी और चाय। तो ये आगे भाई अपनी चाय पकौड़े और खाते हैं। इस रूट पे जब आपको जहाँ भी जाओगे वहीं आपको चाय पकौड़े और आलू के गुटके जरूर मिलेंगे हर जगह। अबे 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 क्या कर रहा है, लगता पी रखी भाई इसने। अल्मोड़ा आना है तो सबसे बेस्ट रूट है काठगोदाम। दिल्ली से बाय ट्रेन आए या फिर बस से आए आनंद विहार से, आनंद विहार से बस आती है सीधे हल्द्वानी भी आती है, अल्मोड़ा भी आती है, काठगोदाम भी आती है। तो वो ऑप्शन है आपके पास। अगर ट्रेन से आना तो सबसे बेस्ट है, सुबह चलती है 6 बजे शताब्दी, और 11 बजे तकरीबन छोड़ती है काठगोदाम, और यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी अल्मोड़ा जाने के लिए। शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया शायद 200 रुपये पर हेड है, और पूरी गाड़ी भी बुक कर सकते हैं आप। अगर बस से आना है तो आनंद विहार से चलती है उत्तराखंड रोडवेज की बसें, जो कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, और करीब 3 या 4 बसें हैं आने के लिए। और अल्मोड़ा आने के लिए जो आपको ऑन द वे टूरिस्ट पैलेस पड़ेंगे वो भीमताल, उसके बाद भवाली, उसके बाद भवाली के बाद आएगा कैची धाम। नीम करौली बाबा का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। तो उसके बाद आप सीधे अल्मोड़ा भी जा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि अल्मोड़ा के आसपास कई जगह भी हैं देखने वाले। गोलू देवता का मंदिर, चितई मंदिर है, उसके बाद बिनसर है, अल्मोड़ा से 90 किलोमीटर के लगभग कोसानी पड़ता है, और
40 किलोमीटर रानीखेत पड़ता है, तो काफ़ी जगह है घूमने वाली। सिर्फ अल्मोड़ा का प्लान करके ना आए, अगर आना हो तो उसके आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वो कवर जरूर कीजिए। ये है नीम गुरली बाबा मंदिर, और विश्व प्रसिद्ध है भाई, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में भी है। जय हो बाबा की। ये हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, तो शनिवार और इतवार को तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है, क्योंकि लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अपना इंतजार कर रहे हैं गर्म पानी में करण जी, तो उनसे मिलते हैं भाई वहाँ पर। अब कुछ वहीं पे अपना खाएंगे खाना, टाइम तो ओवर हो गया भाई खाने का, पर खा लेंगे क्या करें, भूख तो लगी है भाई। चलो सर देखा वहाँ पर ढूंढ लेते हैं। देखा हमने ढूंढ लिया इनको भाई, अपने को मिल गए थे यहाँ पर। अब इनको विदा करते हैं, हम निकलते हैं अल्मोड़ा की तरफ, दिल्ली की तरफ। तो भाई अभी अल्मोड़ा जाकर अपन ने ढूंढना है होटल। वैसे है ऑप्शन तो है वहां पर मिलने के, और होम स्टे मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। शानदार है यार, क्या मस्त व्यू आ रहा है। सामने गांव देखो, और सामने गांव है, कितना अच्छा गांव लग रहा है यार। क्या है सर? आप बताइए। मैं बढ़िया, बस ठीक है। थैंक यू थैंक यू। और आप हल्द्वानी से? हल्द्वानी से। अच्छा सर, लक्ष्मण अधिकारी फ्रॉम हल्द्वानी। मैं भूपेंद्र नेगी, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू दादा। मैं दिल्ली, हाँ तो अपना उत्तराखंड ना वहाँ बहुत प्यारा है, इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना? ठीक है, मैं अभी धारचूला मुंशारी झूलाघाट। चलो बड़े भाई के साथ नेगी जी, अपने पहाड़ के ही है लेकिन। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रो। ओके सर। तो भाई अपने को अभी कुछ लोकल के भाई मिले, बहुत नाइस बनने थे यार, गाड़ी रुकवाई मेरी और बोला भाई आप उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे यार। सनसेट भी हो रहा है भाई अब तो, और हम भी पहुंचते ही वाले हैं अल्मोड़ा, थोड़े देर में पहुंच जाएंगे। मैं और चीता चले भाई अल्मोड़ा। तो देखो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यार, एक नंबर भाई एक नंबर। तो फाइनली पहुंच गए भाई अल्मोड़ा, और मिल गया भाई फाइनली अपने को रूम, और कुछ इस टाइप का रूम है, बढ़िया है, काफी बड़ा भी है, और ये सामने का नजारा। अभी मैं आया हूँ अल्मोड़ा की लोकल मार्केट देखने के लिए, देखते हैं। अभी हम हैं सीढ़ी बाजार पे, ये अल्मोड़ा की सीढ़ी बाजार है भाई। अभी हम हैं कारखाना बाजार, पहले हम घुसे सीढ़ी बाजार में, फिर वो ख़त्म हुआ, फिर आया कारखाना बाजार। काफ़ी बड़ा भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखो भाई कितने पुराने मकान हैं,
मार्केट है अल्मोड़ा की। इससे आगे मार्केट काफी बड़ी थी, आगे कई बाजार हैं, पलटन बाजार। मैंने कहा भाई वापस आ जाता हूँ क्योंकि थका हुआ था, तो मैं आ गया हूँ रूम के अंदर, अब करता हूँ खाने का ऑर्डर और खाना खाता हूँ भाई सोता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकलना है। मैंने अल्मोड़ा में कुछ मंदिरों में दर्शन करने जाना है, तो फिर मिलेंगे आपको कल नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहे व्यस्त रहे। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।